अगर हम इसका सीना देखें तो जो सीना होता है वो ऑरेंज होता है, ये देखें, ठीक है, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड है, लेकिन ये स्प्लिट भी है बीबी का, लेकिन आप गौर रखेंगे सिर्फ ऑरेंज ब्रेस्टेड आपने देखना है कि ऑरेंज ब्रेस्टेड की क्या निशानी, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। गुड मॉर्निंग, सुबह का मंज़र, और आज तो माशाल्लाह बादल है देखें जी, और धूप भी नहीं है। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करेंगे ऑरेंज लाइन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट 3 वीडियोस जो हैं, कुछ दिन 2-3 वीडियो से पहले हमने सीरीज़ शुरू की थी म्यूटेशन पर, और म्यूटेशन की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ट्राई किया था जितना मेरा क्लीन सा नॉलेज है, ताकि वो आप लोगों को मिल सके। तो हम क्या करते हैं कि आज स्टार्ट करते हैं हमारी ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन में आपको जिस तरह हमने देखा कि हमारे ट्रिपल बी में 3 तरह के फैक्टर होते हैं, बी लाइन में, ब्लैक लाइन में जिसे हम कहते हैं, 3 तरह के फैक्टर होते हैं। मसलन ब्लैक फेस था, ब्लैक ब्रेस्टेड था, और ब्लैक चीक था। तो ये तीनों फैक्टर आपने देखे कि सेपरेट सेपरेट थे, लेकिन हमारी ऑरेंज लाइन में एक ही फैक्टर होता है जिसे हम ऑरेंज ब्रेस्ट कहते हैं। वरना आप कॉमन जो नॉर्मल ज़ेब्रा मेल होता है उसके चीक ऑलरेडी ऑरेंज होते हैं। जब आप नॉर्मल कोई ज़ेब्रा का मेल देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ, तो कुछ नॉर्मल यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो नॉर्मल बैठा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, वो चला गया ऊपर उड़ के। तो नॉर्मल जो ज़ेब्रा होता है उसका जो चीक होता है वो ऑलरेडी ऑरेंज होता है, तो इसको हम म्यूटेशन में नहीं गिनते, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, वो हमें ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑरेंज है तो वो है। लेकिन हमारा जो ब्लैक चीक वाला है, जैसे ये वाइट फीमेल बैठी है आपके सामने और चीक ब्लैक है, इसके साथ एक मेल बैठा था उड़ गया है, या वो ये मेल फीमेल दोनों बैठे हैं ब्लैक चीक के, ठीक है, या तीसरा भी ब्लैक चीक आ गया, तो ये म्यूटेशन है, ये नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच नहीं है। तो ब्लैक चीक जो है वो म्यूटेशन में ही आता है। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों को एक मेल पकड़ेंगे हम, और वो होगा ऑरेंज लाइन का, ऑरेंज ब्रेस्ट का एक ही फैक्टर होता है। इसको हम जब मिक्स करते हैं ब्लैक ब्रेस्टेड में तो ओबीबी भी बन जाता है, जब इसको हम फिर ओबीबी को मिक्स करते हैं ब्लैक फेस में तो वो फिर फुल ऑरेंज, हाफ ऑरेंज और फुल ऑरेंज की तरफ हम निकल जाते हैं। तो चलें जी, मैं पकड़ता हूँ अपना, कह लें कि एक ऑरेंज ब्रेस्टेड, और फिर मैं उसकी टेल मार्किंग और उसका सीना और उसकी लाइनिंग वगैरह आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी, ये एक ऑरेंज ब्रेस्टेड मैंने पकड़ लिया हुआ है, अगर दिखाऊं तो आपके सामने है, ये इसका फेस है, ठीक है, ये देख ले, ऑरेंज काफ़ी है। और ऑरेंज ब्रेस्ट हमें कैसे पता चलता है, अगर हम इसका सीना देखें तो जो सीना होता है वो ऑरेंज होता है, ये देखें, ठीक है, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड है, लेकिन ये स्प्लिट भी है बीबी का, लेकिन आप गौर रखें कि सिर्फ ऑरेंज ब्रेस्टेड आपने देखना है कि ऑरेंज ब्रेस्टेड की क्या निशानी, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड है। और अगर ये इसमें ब्लैक ब्रेस्टेड भी होता पूरा, तो ये लाइनिंग ना आती, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग ख़त्म हो जाती। तो ये ऑरेंज ब्रेस्टेड की, कह लें कि ये वाला मेल है ऑरेंज ब्रेस्टेड का। तो आप देखें इसका सीना कितना है, देखें, अब आपको देखें लाइनिंग, लाइनिंग देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाली जो ज़ेब्रा लाइनिंग है, ठीक है, ये देखें, ये काट भी रहा है थोड़ा सा, तो अग्रेसिव है। ट्रीटमेंट फेस का भी स्प्लिट इसके अंदर, फेस का स्प्लिट है, ठीक है, ये देखें काट रहा है। तो फेस का जो थोड़ा बहुत ब्लड हो ना तो अग्रेसिव होता है, वो काटता है, ठीक है। तो लेकिन आप देखें इसकी लाइनिंग, आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, सारी ऑरेंज लाइनिंग है, ठीक है, ये देखें लाइनिंग। और मज़े की बात है कि इसका सीना जो है वो ऑरेंज है, ये तो होगी ऑरेंज ब्रेस्टेड की आपकी निशानी। अब इसकी टेल मार्किंग में जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट टेल मार्किंग, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, ये वेंट एरिया है, वेंट एरिया देख लें, थोड़ा सा इधर ऑरेंज की लाइन है जो इसके फेस को जो है ना वो शो कर रही है। मैं इसको वापस करता हूँ, ठीक है, टेल मार्किंग, तो ये आ गई जी इसकी टेल मार्किंग। अब आप टेल मार्किंग गौर से देख लें, ये टेल मार्किंग है ऑरेंज की, ऑरेंज ब्रेस्ट की, क्योंकि ये स्प्लिट है तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो सैंड ग्रास की तरह इसमें टूटी टूटी नज़र आ रही है और लाइनिंग आ रही है। ये है
ऑरेंज ब्रेस्टेड स्प्लिट बीबी, तो ऑरेंज ब्रेस्टेड की टेल मार्किंग इस तरह की होती है। अभी आपकी स्क्रीन पर मैं एक और शो करता हूँ डिफरेंस, जिसमें ऑरेंज का, ऑरेंज और ओबी बीबी का, ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड उसका स्प्लिट, उसकी टेल मार्किंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और दूसरी साथ ही ओबी बीबी की टेल मार्किंग आपके सामने नजर आ रही है। तो आप देखें वाजे डिफरेंस है, जो हमारी ऑरेंज ब्रेस्टेड और स्प्लिट होता है उसके अंदर आप देखें तो ये जैबरा वाली इस तरह की होती है, लेकिन उसके अंदर आपको कट जो है वो छोटा हो जाएगा और आपस में सैंड की तरह नजर आएगी, सैंड क्लॉक जो होता है। तो ये वाली और ऑरेंज का टच नज़र आ रहा है, ब्लैक का टच नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी जो ब्लैक ब्रेस्टेड है वो वी शेप की होगी, सीधी नीचे की तरफ ओबी बीबी, और ऑरेंज लाइन की दो लाइनें होंगी उसके अंदर ऑरेंज की। तो वाज़े डिफरेंस आपको अब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो हमारी कह लें कि रिप्रेजेंट करती है स्प्लिट ओबी ओबी बीबी को, और ऑरेंज जो हमारा है नॉर्मल ओबी बीबी होता है। ठीक है जी, तो ये मेल था हमारा, मेरे पास ये मेल है, फॉन कलर में है ये, और ये ऑरेंज ब्रेस्टेड है, फॉन कलर है इसका, और माशाल्लाह ये ऑरेंज ब्रेस्टेड और स्प्लिट है बीबी का, और ओबी बीबी का आप इसे स्प्लिट भी कह सकते हैं। तो इसके सीने में भी देखें हल्का हल्का सा ब्लैक का आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो लाइनें हैं ये वाली वो है ब्लैक, और ये देखें कितना अग्रेसिव है, इसमें फेस का बहुत बड़ा फैक्टर है, देखें ठीक है, फेस को देखें देखें काट रहा है तो, और फेस को भी देखें गौर से तो देखें हल्का हल्का आपको ऑरेंज ऑरेंज के जो डॉट्स हैं उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरा और फेस जो है ना वो वाइट, ये ऑरेंज नहीं है, क्योंकि ये देखें वाइट की जो ये वाला है ना हिस्सा, ये इसका फेस कहलाता है। देखिए जी माशाल्लाह प्यारा ज़बरदस्त किंग साइज़ का ये बड़ा मेल है, तो मैंने इसको पकड़ा है, तो आप लोगों से होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो जो भी दोस्त हैं वो अगर जिनको नहीं समझ आई वो वीडियो दोबारा देख लें, और कोई क्वेश्चन रह गया है आपके जेहन में तो आप अगर करना चाहें ऑरेंज लाइन के बराबर के मुतालिक, तो मुझे लाजमी आप जो है ना वो करें, मैसेज करें। और अगर जो दोस्त सीनियर्स हैं जिनको अगर मेरे से कुछ नॉलेज में इधर ऊपर नीचे हो गया है, तो अगर वो ज़्यादा कुछ ऐड करना चाहें तो लाजमी कमेंट में लिखकर ऐड कर दें, ताकि और लोगों को भी और ज़्यादा चीज़ें पता चल सकें ऑरेंज के बारे में। तो अब हमने सारी फैक्टर जो है ना वो हमने क्लियर कर ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तीनों जो लाइनें हैं इसकी, अल्लाह भला करे अपना इसकी ब्लैक की भी कवर कर ली, और फिर ऑरेंज की भी हमने ये आज कवर कर ली है। तो ऑरेंज की अब इसको हम बीबी ब्लैक ब्रेस्टेड के साथ मिलाएंगे तो ओबी बीबी बन जाएगा, और ओबी बीबी को हम ब्लैक फेस के साथ मिलाएंगे तो उसके अंदर फिर हमारा फुल और हाफ ऑरेंज फुल ऑरेंज की तरफ निकल जाता है बर्ड। तो ऑरेंज की एक ही अगर आपके पास लाइन है जिसे हम ऑरेंज ब्रेस्टेड कहते हैं, और बाकी तीनों लाइनें आपके पास जो है ब्लैक की हैं, ब्लैक चिक, ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रेस्टेड, तो आप ऑरेंज फुल ऑरेंज निकाल सकते हैं और फुल ब्लैक ट्रिपल बी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों लाइनों में जो कॉमन लाइन होती है, जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों लाइनों में ऐड होता है, वो है हमारा फेस। अगर आप फेस को ऐड करेंगे बी सी बी बी में तो ट्रिपल बी निकल आएगा, और अगर आप फेस ब्लैक फेस को ऐड करेंगे ओ बी 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 में तो ट्रिपल ऑरेंज निकल आएगा, जिसे हम फुल ऑरेंज कहते हैं। तो चलें जी, मैंने तो बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश की इसके साथ, ताकि आप लोग जो है ना वो देख सकें कि हमारा जो है म्यूटेशंस पे हम काम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसी होती है म्यूटेशंस और कैसे चलता है। तो उस तरीके से मैंने आपको फुल समझाने की कोशिश की। तो माशाल्लाह देखें जी बर्ड हमारा बहुत अग्रेसिव है फेस की तरफ, ये देखें फेस से कैसे काटने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह लें कि हमारा फुल अग्रेसिव है, फेस का बहुत ही फैक्टर है इसके अंदर, देखें देखें माशाल्लाह। तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसमें एक दो इशू थे फर्टिलिटी के, इसलिए मैंने इसको कॉलोनी में छोड़ा हुआ। तो इनशाला कमिंग सीज़न में ये रेडी हो जाएगा, तो होपफुली इनशाला इससे हम अच्छी ब्रीड ले लेंगे। तो चलें जी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो है ना उसे तो लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें जी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।